हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे, तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कल जब हमने 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़े थे, तब लास्ट में मैंने आपको एक टेस्ट दिया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो कल का आपका पहला क्वेश्चन था कि फीफा के द्वारा, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा जारी विश्व रैंक में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है बेल्जियम, ए ऑप्शन सही है आपका। और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था, फुल फॉर्म भी मैंने आपसे पूछी थी तो फुल फॉर्म भी काफी स्टूडेंट ने सही बताई थी। अब स्टार्ट कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो वो देश है बोलविया। हाल ही में जो बोलविया देश है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर कर देती हूँ मैं। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी 121 देश पड़ते हैं उनका एक संगठन बनाया गया, यानी कि एक ग्रुप बनाया गया, जिसे नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और ये जो सभी देश है ना, ये मिलकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते हैं। सो यहाँ पर आपको मैंने आंसर बता दिया, बोलविया आपका आंसर है। बोलविया के बारे में भी पता होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आपको ये पता चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 30 नवंबर 2015 में, और इसका जो हेडक्वार्टर ना वो हरियाणा के अंदर गुड़गांव में है। और हेड भी पता होना चाहिए कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हेड है H.E. उपेंद्र त्रिपाठी जी। यहाँ पर बोलविया के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर बोलविया, इसकी कैपिटल है सुक्रे, करेंसी है बोलवियानो, प्रेजेंट है इवो मॉरेल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो बोलविया से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में संयुक्त अभ्यास अफ्रीका लायन 2019 कहाँ शुरू हुआ है। तो जो अफ्रीका लायन 2019 संयुक्त अभ्यास है ना, ये हाल ही में मोरक्को में शुरू हुआ है। और ये जो अभ्यास है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये अभ्यास मोरक्को और अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और इस अभ्यास में अफ्रीका और मोरक्को को लेकर कनाडा, स्पेन, ब्रिटेन, सेनेगल, ये सब देश भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पर मोरक्को के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मोरक्को, इसकी कैपिटल रबात, करेंसी है मोरक्कियन दिरहम, और किंग का नाम है मोहम्मद सिक्स, और प्राइम मिनिस्टर सदाउद्दीन ओथमानी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे भारतीय उद्योग परिषद यानी कि CII या फिर कहें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो उनका नाम है विक्रम किलोस्कर। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दी है विक्रम किलोस्कर जी, जिन्हें हाल ही में CII का नया अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर आपको विक्रम किलोस्कर जी के बारे में पता चाहिए। देखो, जो विक्रम किलोस्कर है ना, ये किलोस्कर सिस्टम लिमिटेड के चेयरमैन और MD हैं। CII इसके बारे में पता चाहिए, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर है। तो CII का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1895 में हुई है, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है TV नरेंद्रन, और जो इसके DG हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल उनका नाम है चंद्रजीत बैनर्जी। ये 3 पर्सन के नाम आपको याद रखने हैं, उपाध्यक्ष का नाम, अध्यक्ष का नाम और DG का नाम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल कहाँ निर्माण किया गया इसका। तो इसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का निर्माण रिबोल्ट एंटीकॉर्प कंपनी के द्वारा किया गया है। ये जो रिबोल्ट एंटीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इस कंपनी की स्थापना जो माइक्रोमैक्स के संस्थापक है ना राहुल शर्मा, उन्होंने की थी। और इस रिबोल्ट एंटीकॉर्प कंपनी का हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है, आपने सुना ही होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के यान ने शुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है। तो उस देश का नाम है जापान। हाल ही में जापान के उपग्रह, जापान के यान ने शुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है। इस यान का नाम पता होना चाहिए, तो इस यान का नाम है Hayabusa 2। ये शुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो देखिए यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट है ना,
बड़े बड़े प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स को छोड़कर जो बहुत ही माइनर से प्लैनेट्स हैं उन्हें बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये विस्फोट क्यों किया गया है? तो इस विस्फोट को सौर प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया है। आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान के बारे में नोट कीजिए, यहाँ पर जापान, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब जी। अगला क्वेश्चन है, कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राकेश मल्होत्रा, ये जो पिक्चर में दिखाई, तो हाल ही में राकेश मल्होत्रा को कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कैमरून गणराज्य का नाम पहली बार आया है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर कैमरून गणराज्य की कैपिटल है योंडे, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और प्रेसिडेंट है पॉल बिया, और प्राइम मिनिस्टर जोसेफ नेगोट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ESPN इंडिया अवार्ड 2019 में महिला वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है PV सिंधु, ये जो पिक्चर में दिखा रही है PV सिंधु, जिन्हें हाल ही में ESPN यानी कि एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट प्रोग्रामिंग नेटवर्क इंडिया अवार्ड 2019 में महिला वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर इन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया महिला वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में किसे दिया गया ये अवार्ड? तो पुरुष वर्ग में नीरज चोपड़ा जी को दिया गया। नीरज चोपड़ा जी का नाम याद रखना है आपको, नीरज चोपड़ा आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। और जो PV सिंधु जी हैं, ये इनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये बैडमिंटन प्लेयर है, और इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2015 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको गूगल इंडिया के उद्योग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है म्यूरी कांगो, ये जो पिक्चर में दिखा रही है म्यूरी कांगो जी, जिन्हें हाल ही में गूगल इंडिया के उद्योग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। म्यूरू कांगो जी कौन है? तो ये बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये अभिनेत्री रह चुकी है बॉलीवुड की, दे रहे कौन कौन सी फेमस मूवीज हैं इनकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी एक पहली फेमस मूवी थी नसीब, दूसरी है पापा कहते हैं, और तीसरी फेमस मूवी है इनकी होगी प्यार की जीत। ये तीन फेमस मूवीज हैं इनकी, जो कि आपको याद रखनी है आपकी नॉलेज के लिए। गूगल के बारे में पता होना चाहिए, गूगल यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो पता होना चाहिए, सबसे पहले गूगल की फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गूगल की फुल फॉर्म आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ आपको, किस हिसाब से पूछा जाता है। तो गूगल की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्लोबल की, गूगल की स्थापना कब हुई है? तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका यूएस के अंदर कैलिफोर्निया में है। CEO है सुंदर पिचाई और CFO है रुथ पॉरेथ। अगला क्वेश्चन है, MOEX यानी कि मॉस्को एक्सचेंज के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया, और ये पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बन गया है मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता करने वाला। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको बताऊंगी, उससे पहले आपको मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताती हूँ। देखिए, जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये मुंबई में स्थित है, और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, और अगर दुनिया का देखा जाए तो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 1875 में। चेयरमैन है S रवि और MD और CEO है आशीष कुमार चौहान। और मॉस्को एक्सचेंज के बारे में पता चाहिए, इसका हेडक्वार्टर रशिया के अंदर मॉस्को में है। स्थापना हुई 19 दिसंबर 2011 में, और CEO है अलेक्जेंडर कोनेस्ट्रीविच एफेंसिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिडनी ब्रेनर का निधन हो गया, वो कौन थे आपको बताना है? तो ये बहुत ही फेमस जीव विज्ञानी थे सिडनी ब्रेनर। कहाँ के जीव विज्ञानी थे? तो साउथ अफ्रीका के फेमस जीव विज्ञानी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया 92 ईयर की एज में। और देखिए, इन्हें अवार्ड कौन कौन से मिले? तो इन्हें 2002 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साउथ अफ्रीका क्या है? तो साउथ अफ्रीका के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर साउथ अफ्रीका कैपिटल इसकी प्रिटोरिया, बॉलमफेंटाउन और केपटाउन, जिसमें से आपको केपटाउन इंपॉर्टेंट याद रखनी है, और इसकी करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड, और प्रेजेंट है सिरिल रैमफोस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको फिर से एशियाई फुटबॉल परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया? तो उनका नाम है
शेख सलमान, जो पिक्चर में दिखा रही है शेख सलमान जी, ये पहले भी थे एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष, यानी कि इन्हें दोबारा से बना दिया गया है। देखिए आपके एग्जाम्स में लिखा है एशियाई फुटबॉल परिसंघ, या फिर शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए इसकी, फुल शॉर्ट फॉर्म है AFC। यहाँ पर आपको एशियाई फुटबॉल परिसंघ के बारे में बताऊंगी, जैसे कि इसकी स्थापना 8 मई 1954 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर में है, मलेशिया के अंदर। आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल में किसे महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान 2019 के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है डॉक्टर ज्ञानदित्य शाक्य। ये जो पिक्चर में दिया गया है ज्ञानदित्य शाक्य। आपको ये पता चाहिए कि ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है, तो ये जो पुरस्कार है ना, ये पाली भाषा और साहित्य के विकास में जिन पर्सन ने अपना विशेष योगदान दिया होता है उन्हें दिया जाता है, ठीक है। और इस अवार्ड के जो विनर होते हैं ना, उन्हें अवार्ड के साथ साथ 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है, यानी कि डॉक्टर ज्ञानदित्य शाक्य को भी दिया जाएगा। क्या पर आपको ये पता चाहिए कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो जो महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान है ना, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और ये पुरस्कार संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु भाषा के क्षेत्र में जिन पर्सन ने विशेष योगदान दिया जाता है उन्हें दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये थे आपके 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आपको कह चुकी हूँ मैं आपको कि लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा, तो टेस्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन बता देंगे आप लोग, प्लस थीम भी बता देंगे, और जितने भी अप्रैल के मंथ में इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी एक बार रिपीट कर देंगे, तो आपके जितने भी डेज वाले क्वेश्चन है अप्रैल के वो प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। प्लस थीम आपके लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, मैंने आपको बहुत बार बताया। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हैं मेरे साथ। थैंक यू।